दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अवैध ई रिक्शाओं के लगातार बढ़ने का रोक लगाने के लिए नया कानून बनाया है। इसके तहत अगर ई रिक्शा के मालिक अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो जब्त कर लिया जाएगा और गैर रजिस्टर्ड ई रिक्शाओं को 7 दिनों के भीतर स्क्रैप कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के रिठाला में ई रिक्शा चालकों की मनमानी बढ़ती नजर आ रही है। सड़क पर ई रिक्शा खड़े करने के कारण जाम की समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है। बी सड़क पर ई रिक्शा खड़ा कर सवारी बैठाते हैं, यही नहीं घंटों सड़क पर वाहन खड़ा कर सवारियों का इंतजार करते रहते हैं। हमारे संवाददाता सोनल भारद्वाज ने जब मौके पर पहुंचकर वहां के हालात देखा तो आसपास रहे लोगों को क्या कुछ परेशानी उठानी पड़ती है, ऑन कैमरा लोगों ने कैसे बताया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं सभी के साथ सुनालिया, आप देख रहे हैं देश में इस वक्त मौजूद है रिठाला के पास ई रिक्शा। आप देखते रहते हैं जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार के ऐलान करने के बावजूद जो है ई रिक्शा लगातार हम देखेंगे, लगातार ई रिक्शा जो है फिर भी उनकी संख्या दुगनी होती जा रही है, हालांकि कम होने की बजाय आप देखेंगे साथ ही में पुलिस स्टेशन जिस तरीके से ई रिक्शा जो है अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। रिक्शों के बारे में सब अंधुन लगाता है। आपको लगता है कि एक्सीडेंट का कारण दुर्घटना कोई हो जाए उसका कारण बनते हैं रिक्शा? हम सर बंद करा रहा है, किसी का नंबर नहीं है। अमलक तुम बोलियो यार, तुम बोलो जिनके पास नंबर नहीं होता, लाइसेंस नहीं होता या इंश्योरेंस नहीं होता, वो रिक्शा भी लगातार जो है दिल्ली में अभी भी चलते हैं। आपको कानून में ढील दी जाती है मैडम? इसको बोला ही नहीं ई रिक्शा जो इतनी लगाई जाती है, आपको लगता है कि कब लगाई जा रही है? जिस तरीके से शादी में पुलिस स्टेशन है, ई रिक्शा जो है लगातार लाइन में लगी है, आपको लगता है दुर्घटना हो सकती है इनसे? साथ में पुलिस स्टेशन भी है, कानून में कहीं ना कहीं ढील दी जाती है। बोलो ना, लाइन से नहीं लगाता है, आर्मी आने जाने का सबको सरकार के ऐलान करने के बावजूद जो ई रिक्शा बंद किए गए थे उसके बाद जो है कितने ई रिक्शा और निकाल दिए? नहीं रिक्शा निकल रहे हैं, मेरा भी काम धंधा नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं तो अभी फोन ही नहीं करी है, लोगों से मेरा भी काम धंधा मर गया है। अच्छा, आपको लगता है कि ई रिक्शा वाले रोजगार छीन रहे हैं? अंकल आप बताइए, ई रिक्शा जो है दिल्ली का सबसे, मैं तो ऐसे ही पता कर रहा हूँ क्या हो रहा है। ई रिक्शा नहीं चलाते, चलाता हूँ। कोई नहीं, बताओ ई रिक्शा से लगता है आपको दुर्घटना होती है कोई? हाँ क्यों नहीं होती, आज मैंने 2-4 रिक्शे देखे। पर देखिए अभी भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से ई रिक्शा जो है लाइन में लगी है, वालों को बहुत कुछ होता है। आपको लगता है बंद हो जानी चाहिए? जो लाइन में लगी है अभी आप उस साइड देखेंगे, 2-3 लाइन में जो है ई रिक्शा की लगी हुई है। हाँ हम लोग लाइन में लगाते हैं, मतलब नहीं लगा रहे लाइन में? देखो लाइन में तो लगा रखा है। नहीं भैया, आपकी वजह से जो है जाम भी लगेगा, कोई दुर्घटना भी हो जाएगी। बिना नंबर लाइसेंस वाले रिक्शा चलते हैं, आपको लगता है सही है? बगैर लाइसेंस वाले बंद होने चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, बगैर लाइसेंस वाले बंद होने चाहिए। अच्छा, आपके पास सब कुछ है, उसके बाद आपको जो है चालान काटा जाता है? हाँ, उसके बाद भी काट देते हैं चालान, उसके बाद भी काट देते हैं। रोड पर ई रिक्शा चलने के लिए नहीं थे, कॉलोनियों में चलने के लिए थे, उसके बावजूद जो है सरकार जो है ई रिक्शा जो रोड पे चल रहे उसके बावजूद भी आपको लगता है ये भी सही है? नहीं, हाईवे पे नहीं चलना चाहिए, हाईवे पे नहीं चलने, लेकिन आप लेके जाते हो? हाँ, हाईवे पे लेके जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। देखिए जिस तरीके से लगातार ई रिक्शा जो है सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आपका आपका तो नहीं होगा ये रिक्शा, आपका है, आपने लिया है? अच्छा, इंश्योरेंस है, सब कुछ है, नंबर सब कुछ है, सब कुछ है, उसके बावजूद जो है चालान काटा जाता है आपका? हमारा तो अभी तक नहीं कटा, नहीं कटा, बंद भी नहीं किए गए? मेरा सब कुछ है तो मेरा क्यों बंद होगा?
तो जाम लगाते हैं, कहीं गलत करते हैं। इससे पूछो ना, पीछे लड़ा क्या पुलिस आती है कभी हटाने यहाँ पर?